श्रीपादराणि वाचा एवं व्यवसितो बोध्या समाधाय मनो हृदि जाप परमहं जाप्यं प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जब प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रदुम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। तो प्रभुपाद जी बहुत चीज़ों पे इसमें गौर कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गौर हो रही है कि अपने वो भयानक स्थिति को पहले समझ पाया। पहले तो हम यही नहीं समझ पाते कि हम कुछ डेंजर में हैं, उसके लिए भी दर्शन चाहिए। जानवर को भी यह मालूम नहीं कि वो एक भयानक स्थिति में है, किसी भी समय उसका मृत्यु हो सकता है। बहुत तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक हिरण था, उसके पास एक हिरणी थी, सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा था, लेकिन उस हिरण को ये नहीं दिख रहा था कि एक शेर और एक शिकारी वेट कर रहे हैं। एक क्षण का टाइम है, ये सब बंद होने वाला है। तो हम भी अपना जो क्या कहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन को देख के थोड़ा आलसी हो जाते हैं। हाँ, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। और आध्यात्मिक प्रगति में हम लोग इंटरेस्ट नहीं रखते, ना ही हम आपको अपने दिल में काम क्रोध का वास दिखता है, ना ही हमको भय लगता है। क्योंकि मैं कितनी बारी बोल चुका हूँ, ये नहीं समझना कि मृत्यु समय को चमत्कार होगा। जैसा आपका हृदय है वैसा आपको नेक्स्ट जन्म मिलता है। नहीं नहीं, उस समय कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं, कृपा भगवान की हर क्षण मिलती है, उस समय ही नहीं मिलती। अगर आपको भगवान ने स्वीकार किया है, आपका सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो लक्षण ऑलरेडी उत्पन्न होते हैं दिल में। और पहला लक्षण ये है कि आदमी को शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है उसका। नेक्टर डिवोशन बहुत बारी पढ़े हैं पहला चैप्टर में। पहला लक्षण जो आदमी को भगवान ने स्वीकार किया है, उसका मन शांत हो जाता है, काम क्रोध ये सब से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता भागवत में भी यही लिखा गया है, हृदय शनवताम सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत भद्रानी बुधनोती सुहर्षता। भगवान पहला काम आपके हृदय से चिंता निकाल देते हैं, आदमी शांत हो जाता है। एक्चुअली चिंता है काम क्रोध के आवर, कोई और तरीके की रीज़न नहीं है चिंता का। पूरी सृष्टि भगवान के नियंत्रण में है, चिंता की तो जरूरत ही नहीं है। ईशावाशमिदम सर्वम यत किंचित जगत त्याम जगत, सब कुछ उनके, यत किंचित जगत त्याम जगत, सब ईशा आवेश उनके कंट्रोल में है पूरा। तो आदमी शांत रहता है, खुश रहता है। तो शांत मन में और आदमी को दिखता है कि भाई हमारा स्थिति तो बहुत भयानक है, तो वो सीरियस बन जाता है, ठीक है। और जब सीरियस बन जाता है तो जब जप करता है या भगवान का प्रार्थना करता है, उसको एक कोई नीड है। जब तक आदमी को नीड नहीं होगा, उसको फ्री दवाई भी दोगे नहीं खाएगा। तो जब तक नीड, मेरे को कुछ चाहिए, मेरा दिल में भगवत भक्ति नहीं उदय हो रही, मेरे दिन में कामवास उदय हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु कितना अच्छा समझाएं, भक्ति लता बीज जो बढ़ता है साथ साथ वीड भी बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, भक्ति बंद हो जाती है या वीड ही बढ़ते रहते हैं। और ये क्या वीड क्या है, कुटी नाती, कुटी नाती मतलब आगे कुछ पीछे कुछ, सीधा नहीं बोल सकता आदमी। पॉलिटिक्स कुटी नाती, हमारा जीवन बहुत सिंपल होना चाहिए। कुटीनाति निषिदाचार, पाप कर्म कर रहा है, आचरण ठीक नहीं है, निषिदाचार। जीव हिंसा, दूसरे जीवों को दर्द दे रहा है, मार रहा है। कुटीनाति निषिदाचार जीव हिंसा, मान पूजा प्रतिष्ठा, उसको सम्मान की इच्छा आ गई, भी मान उसको पूजा चाहिए प्रतिष्ठा। सो ये तरह तरह से आदमी विचलित है, मान पूजा प्रतिष्ठा जी, इसकी वजह से उसका भक्ति का प्रकृति नहीं होगा। तो आदमी को इंट्रोस्पेक्ट करे, ये सब चीज़ें हैं लेकिन निकालने की भी शक्ति नहीं है, भगवान ही निकालेंगे, ठीक है। कोशिश करना है का खुद, पहले तो दिखता ही नहीं वीड है। जो आदमी
भक्ति में सीरियस नहीं है उसको वीड वही दिखते हैं। जो फार्मर एक्सपर्ट नहीं होता ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल प्लांट एंड द वीड, बोथ लुक सेम टू हिम। ओनली एक्सपर्ट फार्मर को डिफरेंस दिखता है। तो सिमिलरली जब हम भक्ति में सीरियस होते हैं तो कृष्ण जी दिखाते हैं आपको, आपको नहीं दिख, कृष्ण जी दिखाते हैं, देखो देखो ये क्या उग रहा है तुम्हारे दिल में। क्योंकि भक्त बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होता है, उसको दिल में देखता है ये क्या हो रहा है, इज वेरी इंट्रोस्पेक्टिव। तेषाम अहम अहम जातम अहम अज्ञान जमतमः नाशयामि भास आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भाषता तेषाहम अनुकंप अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः। जब कृष्ण की कृपा होती है किसी पर अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः, कृष्ण जी अज्ञान निकाल देते हैं उसके दिल में। नाशयामि आत्मभावस्तु, जैसे टॉर्च देखो अब तुम्हारा स्थिति कैसा है, ओ ज्ञान दीपेन भाषता, ज्ञान का दीप आ जाता है, ठीक है। तो आदमी को स्थिति दिखता है, तो आदमी को टोटल, क्योंकि कल भी डिस्कस को लगता है कि कोई और मेरा कृष्ण के अलावा जो सुरक्षा कर सकता है, वो भ्रम निकल जाता है, ठीक है। तो भगवान पे पूरी तरह से आश्रय ले लेता है। तो ये स्थिति गजेंद्र कहता है, गजेंद्र राजा की तरह घूम रहा था इस दुनिया में और उसको एक झटका मिलना पड़ा भगवान की प्रार्थना के लिए। तो आपको झटका चाहिए या सीधे प्रार्थना करो आपके दिमाग में। जब प्रभुपाद जी देखते हैं, बोलते हैं कि कभी कभी कृष्ण जी देखते हैं, देखो कृष्ण जी छोड़ने तो वाले नहीं, किसी को छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन कोई अगर सीधे से भगवान के भक्ति में नहीं आना चाहता, सीरियस नहीं होना चाहता, तो झटके चाहिए फिर उसको, बड़े बड़े झटके मिलेंगे। अभी देखो गजेंद्र को कितना बड़ा झटका आना पड़ा तब वो भगवान को प्रार्थना किया, ठीक है। हम भी कभी कभी, मतलब भागवत कुछ बता रही है, भक्त लोग कुछ बता रहे हैं, हम सीरियस नहीं हो रहे, ठीक है, झटका आएगा, बहुत जोर का झटका आएगा गजेंद्र की तरह, तब प्रार्थना शुरू करोगे। भगवान तो छोड़ेंगे नहीं इस जन्म में या दूसरे जन्म में, वो उन पे डिपेंड करता है। हो सकता है इंद्रिय भोग की इच्छा बहुत प्रबल है, थोड़े जानवर के जीवन दिखा देंगे, जैसे बोला जाता है जो वृंदावन में रहता है, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा प्रबल रहता है, अगले जन्म बंदर का मिलता है उसको। तो प्रभुपाद जी हंसते थे ना, इसलिए वृंदावन में इतने बंदर हैं। हाँ वो वही है, बंदर मतलब वो भगवान की भक्ति में निकला था लेकिन इंद्रियों के भोग की इच्छा प्रबल है। क्योंकि भक्ति में निकला था इसलिए वृंदावन में पैदा हुआ, क्योंकि इच्छा बंदरों की थी इसलिए बंदर बन गया। तो ऐसा जानवर का भी जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है, ठीक है। वो तो एटलीस्ट भाग्यशाली है, बिकॉज वृंदावन में जानवर का जन्म होगा, अगला जन्म तो वैकुंठ धाम में, वो तो भाग्यशाली है। वृंदावन में उसका जन्म वेस्ट नहीं होगा, उसका भाग्य है, इसलिए वृंदावन का बहुत वैल्यू है। और चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी लोगों को भेजा था वृंदावन को उद्गार करने के लिए, जरूरत क्या था, उसका वैल्यू है। चैतन्य बाबू ने खुद एक धाम बनाया अपनी लीला से, मायापुर धाम बन गया, ठीक है। और दूसरा धाम वृंदावन धाम उन्होंने अपने भक्तों को भेजा, जाओ भाई जाओ उसको थोड़ा। और जगन्नाथपुरी खुद रहे, तीन धाम मूल बना दिए उन्होंने। ठीक है, तो ये मेन चीज है, पहला चीज हमको मेडिटेट ये करना है कि हमारा स्थिति में डेंजर है, हम एक भयानक स्थिति में है और इस स्थिति से निकलना है। पदम पदम यथा विपिनम तेषाम, यहाँ पे रेस्ट करना नहीं है, ये आराम करने की जगह नहीं है, हर क्षण में इधर डेंजर है, ठीक है। तो ध्यान से भगवान का शरण लेना है, रक्षा माँ पाही माँ, भगवान आप मेरी सुरक्षा करो, भगवान आप ही मेरे को मेंटेन करो, ठीक है। आप गजेंद्र को पिछले जन्म के मंत्र याद आए, दूसरी चीज तो प्रभुपाद जी बोलते थे थोड़ा जब जो करते हो थोड़ा दिल से करने का, ये क्या है कि वो मन में डीप घुस जाने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल जब, अरे अरे हरे राम हरे राम राम राम, दिल नहीं है उसमें। वो जब होता है नाम अपराध जब, वैसा जब करोड़ों वर्ष तभी आपको भगवान के चरण में नहीं ले जाएगा, करते रहो कोई फायदा नहीं, थोड़ा मन पवित्र होगा, बिकॉज कभी भी कोई भी चीज़ भगवान का नाम है, फल तो है उसका, लेकिन नाम अपराध जब से भक्ति नहीं उत्पन्न होता, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, एक चल रहा है 16 माला करना, हरे कृष्ण
ऑफिशियली चल रहा है, उसमें आदमी एक्चुअली जो ऐसा जप करता है, मैं लिख के देता हूँ, सोलह माला नहीं करता, तो थोड़ा करके टेस्ट ही नहीं है उसको जप में, थोड़ा करेगा छोड़ देगा, फेंको उसको, थोड़ा दिखाने के लिए लोगों के सामने एक दो माला जप करेगा, फिर वो नहीं करेगा जप, मोबाइल का जप करेगा, उसका अलग जप चल रहा है, जैसे इधर करते हैं हरे कृष्ण मोबाइल में करेगा, एक पेज फेसबुक का, दूसरा पेज देखते रहो, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तुम्हें इधर ही इंटरेस्ट है, देखते रहो, तुम्हारे लिए है यही दुनिया, तुम्हारे लिए कृष्ण जी रेडी कर रहे हैं, सोच रहे हैं किधर फेंको इसको, किस जानवर के जीवन में फेंको, भगवान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता भगवान को, भगवान से कपट नहीं कर सकते, लेकिन जब आप जब ध्यान से करते हैं, दिल से करते हैं, भगवान मेरी स्थिति बहुत भयानक है, आप ही मेरे को शरण दे सकते हो, ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो भगवान आपको स्वीकार करते हैं, वो जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं, फाइनली भगवान को स्वीकार करने का, हो सकता है बहुत ही अच्छा भी जब करो भगवान स्वीकार ना करें, कोई ऐसा फोर्स तो है नहीं उन पर, ऐसा तो नहीं ज़बरदस्ती है, लेकिन तब भी जब आप, ऐसा तो नहीं है वो कुछ बुरे व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा दिल है भगवान का, तो जब आप ध्यान से जप करते हैं तो गुरु कृष्ण आपका जप स्वीकार करते हैं, आपकी प्रार्थना सच्ची है, भगवान को आप पूर्ण रूप से कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरण व्रजा, ये शरण आप दिखावा नहीं कर सकते, असली होना चाहिए शरण, तब अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिषामि आसुचा, जब असली में आदमी भगवान का शरण ले रहा है तो क्या होता है, सर्व पापेभ्यो, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका मन शांत हो जाता है, तो मन शांत तब होगा जब भगवान आपका साधना स्वीकार करेंगे, वो लक्षण है, आनंद भगवान देंगे वो थोड़ा आगे देते हैं, पहले क्या मिलेगा आपको, जैसे आपको कैसे मालूम है, जब कर रहा हूँ शास्त्र पढ़ रहा हूँ साधना कर रहा हूँ, भगवान स्वीकार करें नहीं करें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, इसी तरह पास सीखेंगे, कैसे पता चलेगा कि भगवान जब स्वीकार कर नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा, आपको मन में शांति लग रहा है तब आपको बता रहे हैं भगवान ने स्वीकार किया, करें जैसे सुबह बैठे जब करने, एटलीस्ट सत्वगुण का आभास होना चाहिए जब के बाद, एटलीस्ट कृष्ण प्रेम तो आगे छोड़ो, अ पर्सन शुड बी सत्वगुण आफ्टर जपा, एटलीस्ट भौतिक स्थिति, प्रभुपाद जी से बोलते थे बैलेंस आपका सत्वगुण होना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, रजोगुण तमोगुण में नहीं जाना चाहिए, एक लेवल, एंड द नेक्स्ट जब आपका जपा भगवान और स्वीकार करेंगे, प्रभुपाद जी बोलते थे वही कॉलेज के प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभुपाद जी का प्रीचिंग हमेशा डायरेक्ट था, कोई नाटंकी नहीं इधर उधर नहीं, एंड ही सेड मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, स्ट्रेट पहला क्लास, आपको पहला फल उसका ये मिलेगा इस जप का, आपको ये समझ आएगा कि शरीर नहीं आत्मा है, आपको पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ मर्सी फ्रॉम द होली नेम, कि आपको क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, इसको आभास को सोचिए क्या चाहिए, पहला सत्वगुण चाहिए, बिकॉज ज्ञान और दर्शन आता है सत्वगुण में, रजोगुण तमोगुण में कोई ज्ञान और दर्शन नहीं होता आदमी को, खाली अहंकार का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन नहीं होता, करें तो जब आप आदमी का दिल पवित्र हो जाता है तो उसका मन शांत हो जाता है, और शांत मन से उसको चीज़ें समझ आती हैं, पहला चीज़ उसको समझ आता है मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर नहीं हो तो पूरा इंद्रिय भोग का इच्छा, इतने बड़े बड़े प्लान जो हम बनाते हैं दुनिया में सब उसके नष्ट हो जाते हैं, अब वो भगवान की सेवा का प्लान बनाना शुरू करता है, ठीक है, तो उसका पहला चीज़ क्या है कि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आपका जब ध्यान से हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा भाई, सबको चेक करने का ना, दवाई ले रहे हो टेम्परेचर तो देखने का, और दवाई ले रहा हूँ इतना साल, मैं 10 साल से जब कर रहा हूँ, मैं 25 साल से जब कर रहा हूँ, 50 साल से जब कर रहा हूँ, वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें शांति तो मिली नहीं, कृष्ण प्रेम तो बहुत आगे है उसके, तो नेक्स्ट चीज जब आपका जब भगवान और स्वीकार करेंगे आपको आनंद शुरू होता है, आध्यात्मिक आनंद, जब करते करते ऐसा लगता है कोई मिठाई मुंह में रख रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसके बाद जब चलता रहता है तो फिर उसको रुचि के बाद नेक्स्ट आसक्ति भगवान के लिए थोड़ा सा स्नेह आने लगता है, अटैचमेंट आने लगता है, और जब चलता रहता है फिर वो स्नेह आसक्ति के रूप में आ जाता है, अटैचमेंट बन जाता है, और नेक्स्ट प्रेम, कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है,
तो खुद आदमी देख सकता है। और जब वो कृष्ण प्रेम तक पहुंच गया है, वो शरीर त्याग करेगा, वो वैकुंठ धाम जाएगा। अरे नहीं, मेरा तो सब चलता है, जब कर रहा हूँ, लेकिन अहंकार है, मन विचलित है, वैकुंठ धाम जाऊँगे। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? भगवान कोई ढोंगी है क्या तुम? नहीं चलता भाई ये सब। अगर तुम्हारा जब भगवान स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हारा मन पवित्र क्यों नहीं हुआ? हाँ, मृत्यु समय कुछ नहीं होगा। मृत्यु समय तो नियम तो दिया हुआ है ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कौलेवरम। ठीक है, इतना आसान नहीं है भगवान धाम जाना। दोबारा जन्म लोगे, किसी और योनि में जन्म लोगे, या मनुष्य योनि में लकी हो जन्म लोगे, तो जब कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ये नहीं सोचो मैं जब शुरू कर दिया चला गया वैकुंठ, और फिर घमंड से घूमते रहो। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई? भगवान को मूर्ख बना नहीं सकते, बिकॉज लक्षण तो आपको दिख रहे हैं। भगवान ने आपको जब स्वीकार ही नहीं किया, अभी तक स्वीकार ही नहीं किया। कर रहे हो जब, लेकिन भगवान गुरु कोई स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारे जप में क्यों क्वीन कुंती बोलती हैं? जन्मेश्वर्य श्रुताशी भी एदमान मधपमान न एवर्ती अभिता तुम वै ताम किंचन गोचर। भगवान आपका नाम तो बहुत शक्तिशाली है, एक नाम से ही भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। एक खाली एक नाम चाहिए, कृष्ण। लेकिन उसको पुकारने के लिए क्वालिटी चाहिए। जैसे गजेंद्र ने पुकारा है, नारायण आ गए, नारायण आ गए, क्वालिटी है। आप भी उस प्रार्थना, भी गजेंद्र की जो प्रेयर है आप सीख सकते हो, कंठस्थ कर सकते हो, जब भी कर सकते हो। लेकिन जब तक आप दिल से नहीं करोगे, जब चलो भगवान तो नहीं आए वैकुंठ से, अतली दिल तो पवित्र होगा ना। सबको दिख रहा है अपना दिल का स्थिति, जो देखना चाहता है क्या हॉरिबल कंडीशन है। काम क्रोध लोभ मोह मदा मत्सर्य सब है, दूसरों से ईर्ष्या है, मन पागल है, क्रोध भरा हुआ है, काम भरा हुआ है, दिख रहा है। और सोच रहा है मैं जब कर रहा हूँ वैकुंठ धाम जाऊँ। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? तुम्हें तो फल अभी तक शुरुआत का फल भी नहीं आया है, ऊपर सोच रहे हो मेरे को 100 मार्क्स मिल जाएंगे। एक मार्क मिला नहीं अभी एग्जाम में। जब का टाइम एक एग्जाम की तरह, आदमी खुद देख सकता है उसका फल। एक मार्क भी नहीं मिल रहा उसका, एक भी मार्क भगवान नहीं दे रहा उसका। क्योंकि एक मार्क भी मिलेगा तो क्या होता है, आदमी का मन शुद्ध हो जाता है, सत्वगुण का आभास हो रहा है। कोई रजोगुण तमोगुण आदमी बैठा हुआ है, दूसरों से ईर्ष्या कर रहा है, क्रोध कर रहा है, हाँ मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, किसको मूर्ख बना रहे हो? खुद देखो ना। सो 100 मार्क अगर मिल रहे हैं तो मृत्यु काल में, अगर आदमी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर चुका होता है तो मृत्यु काल में वैकुंठ धाम जाता है। ये नहीं कि वो कनिष्ठ है, श्रद्धा में भी नहीं अभी पहुंचा है और वैकुंठ धाम चला जाएगा, ऐसा शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है। नौ स्टेजेस लिखी हैं, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम, ये स्टेजेस हैं। जब हम प्रेम की सिचुएशन में होते हैं, ये आयरन को आप लोहे को आग में रखोगे तो आग बन जाता है, उसके लिए मृत्यु खाली एक, वो ऑलरेडी पूरा कृष्ण कॉन्शियस है, करेक्ट? कृष्ण प्रेम से भगवान को पुकारता है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि भाई देखो मैं साधना कर रहा हूँ, मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूँ, तो फिर कौन कौन करेगा साधना ढंग से? हाँ ठीक है, कुछ कर दिया जब हमको शुद्ध, कोई उसको शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको शुद्ध भक्ति चाहिए ही नहीं। मैं साधना कर रहा हूँ, हाँ मैं जाऊँगा वैकुंठ, उसको शुद्ध भक्ति का इंटरेस्ट है ही नहीं। वो सोचता है कि जो उसकी नौटंकी साधना चल रही है वो वैकुंठ धाम स्वीकार हो जाता है उससे। ऐसा होता है, मैं बहुत लोगों को देखा है, बहुत घमंड होता है, मैं सलामला करता हूँ, तो लेकिन फल तो कुछ भी नहीं दिख रहा तेरे पे, कोई सत्वगुण नहीं। छोड़ दो आगे चीज, तो छोड़ दो भाई आगे चीज, सब छोड़ दो, तो रुचि छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, भावा, हाँ श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति तक नहीं हो रही, सारे अनर्थ बैठे हुए हैं, सबको दिख रहे हैं, हमको नहीं दिख रहे, सबको दिख रहे हैं। तो इसलिए आदमी को रियलिटी देखना चाहिए, ठीक है। एंड देन आदमी भक्त बहुत फिर हम्बल हो जाता है, जब रियलिटी दिखता है उसको, मान पूजा प्रतिष्ठा सब चाहिए उसको, तो उसको समझ आ जाता है कि मैं जब, मेरा जब नहीं है ठीक से। फिर जब मैं पुकार शुरू होती है, भगवान आपने तो स्वीकार नहीं किया। जैसे आप भगवान के पास प्लेट रखने गए और प्लेट भगवान ने स्वीकार नहीं किया, आपको फल दिखा, क्योंकि उसको भोग करते हुए, उस सो कॉल्ड प्रसाद को खाते हुए भी कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, बोलो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। हर चीज़ से इफेक्ट से पता कर सकते ना, करें तो फिर आदमी बहुत प्रेम से जाएगा, आप स्वीकार करोगे क्या, करें। एक स्टोरी है ना, किसी का बच्चा था, उसने बच्चे को बोला भोग लगा देना, तो हर टाइम वो प्लेट खाली, तो फिर वो ना बहुत अच्छा फेमस स्टोरी है। तो फिर नेक्स्ट दिन उसने बोला कि भाई क्या हुआ, तो बच्चे ने बोला नहीं भगवान ने खा लिया, हैं तुम्हें इतने साल से मैं खिला रहा हूँ नहीं खाया, क्योंकि बच्चे को, बच्चे ने सुना
भगवान को देने का, खाओ ना बच्चे, भगवान ने खा लिया, विश्वास उसका पूर्ण था, उसने सुना और स्वीकार किया था। सेम वे जो स्टोरी है, वो एक चोर था जिसने भागवत सुना और उसको पता चला कि भागवत कथा में कि वृंदावन में कृष्ण जी पूरे आभूषण से लगे हुए हैं, वो बड़े बड़ा अच्छा है, ये तो चोरी करनी, उधर जाके करो चोरी। तो वृंदावन गया, कृष्ण को ढूंढ रहा था बहुत, क्योंकि उसको विश्वास आ गया सुन के कि कृष्ण है वृंदावन है, चोरी करने आया। लेकिन तो उनको कृष्ण जी आ गए सामने, तो बोला मेरे को आभूषण दे दो। बोले नहीं 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 दूंगा, यशोदा मदर बहुत गुस्सा हो जाएंगी, नहीं दिया। तो लेकिन भगवान ने उससे खेलते रहे, थोड़ा बात करने लगे। कुछ टाइम बाद भगवान ने बोला चाहिए सारे आभूषण ले लो। नहीं चाहिए, अब खुश हो गया। तो सेम वे अगर हम भगवान को तरफ जा रहे हैं, ध्रुव महाराज को देखो कितनी इच्छाएं थी, हो सकता है इच्छा अभी हमारे दिल में प्रबल है, लेकिन इच्छा जानी चाहिए ना। अगर आपकी भक्ति भगवान स्वीकार कर रहे हैं, जब ध्रुव महाराज की भक्ति भगवान ने स्वीकार करी, सारी इच्छा दिल से चले गए, ठीक है। और वो पूरी पूर्ण रूप से जम्बावान भी भगवान से लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते उसने भगवान को लड़ने में आनंद दिया, और उसका फल स्वरूप क्या हुआ, जम्बावान खुश हो गया, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको उसको दर्शन मिल गया, ये मेरे भगवान है। क्योंकि दर्शन क्यों मिला, बिकॉज भगवान ने उसकी सेवा स्वीकार करी थी। तो भगवान सेवा स्वीकार करते हैं तो लक्षण से पता चल जाता है कि है, ठीक है। तो इसलिए जो जप होता है हमारा, जो सेवा होता है, दिल से होना चाहिए। जो दिल से सेवा करोगे तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे, ठीक है। और आपको फिर भगवान की तरफ एक रिश्ता बन जाता है और जीवन आनंदमय बन जाता है, करें। जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, पूरे दिन खुशी लगता है, एक एक आपको स्नेह का अनुभव होता है। वो तो भौतिक है, लोगों लड़की का कोई स्नेह का अनुभव होता है, वो ध्यान रखना चाहिए, ये माया का बहुत बड़ा जाल होता है। क्यों लड़की आपसे बात करने आई, और एक माया आपको बड़ा स्नेह का अनुभव कराती है, वो माया है, उसको पकड़। माया बहुत, माया के चाल बहुत भयानक होते हैं। तो हमारे दिल में हमको खाली एक स्नेह का अनुभव करना हुआ, कृष्ण का प्रेम, ठीक है, बाकी सब स्नेह ड्यूटी के रूप में। तो जब उसका अनुभव होता है तो सोचो आदमी पूरा दिन खुश हो जाता है, उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब आपको भगवान का स्नेह का अनुभव है। लेकिन वो तो आगे आएगा ना, पहले तो हृदय तो परिपवित्र होने का, फिर आएगा आगे नेक्स्ट। तो इसलिए बहुत इंटेंटली हमारा साधना होना चाहिए, पूरा सेवा होना चाहिए, बहुत इंटेंटली। प्रभु जी बोलते हैं ये सब होता है लेबर ऑफ लव, भगवान की सेवा को बोलते हैं लेबर ऑफ लव, समझ रहे हैं। जब आप किसी से स्नेह करते हैं उसके लिए आप काम करने में बुरा नहीं मानते, खुशी है। एक आदमी ने बोला था, बहुत वेस्टर्न फिलोसफर को भी समझ आया, बट थोड़ा थोड़ा समझ आया, बिकॉज दे डोंट नो द रियलिटी। ही सेज दैट इफ यू डू द जॉब यू लाइक, यू डोंट हैव टू वर्क एनी मोर। इफ यू डू द जॉब यू लाइक, यू डोंट हैव टू वर्क एनी मोर। क्या मतलब है, को वर्क मतलब आप ऐसी चीज कर रहे हो जिस करने करने का आपको मन नहीं है, करेक्ट। आप किसी से स्नेह करते हैं या किसी चीज को लाइक करते हैं, वो फिर काम नहीं है, वो तो आनंद है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग लेटे नहीं हुए हैं, लेटने का काम तो खाली ये जो तमोगुण है खाली मृत्यु लोक में मिलता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो तमोगुण है बहुत पिक्यूलियर है, ये वैकुंठ धाम वासी को तो समझ बिल्कुल नहीं आता, ऐसे पड़े। राजसिक आदमी इंद्रिय भोग के लिए मेहनत करता है, सात्विक आदमी ड्यूटी के लिए मेहनत करता है, और भक्त कृष्ण की सेवा के लिए मेहनत करता है। तामसिक आदमी ये पत्थर की तरह लेटा रहता है, तभी समझ आता है। कुछ लोग जानवर के बनते हैं, जानवर के देखे बैठे रहे पूरे दिन, बिकॉज प्रभुपाद जी बोलते हैं इतना तमोगुण उसने डेवलप किया, इतना तमोगुण उसने डेवलप किया कि जानवर का जीवन ही अभी उसके लिए सुलभ है। बहुत सोने का मानस, आ जाओ जाओ तेरे लिए एक बहुत अच्छा जानवर का शरीर बनाया, क्या नाम है, पोलर बियर, 6 महीने सो जाओ तो खुशी से सो।